हेलो व्यूअर्स, मैं सोनल सोनल्स बंगली किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों को जब भी कुछ नया खाने का मन करे यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए सोनल्स बंगली किचन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरे सारे नए रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक फिश की रेसिपी लेके आई हूँ और ये फिश का नाम है कोई और मैं बनाऊंगी तेल कोई। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है और झटपट बनती है और ये बंगाल में बहुत ही फेमस है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है मछली। इस तरह से मैंने मछली लिया है और सारे मछली को मैंने साफ कर लिया है, देखिए इस तरह से, और बीच में कट लगा दिया है ताकि मसाला अंदर तक जा सके और अंदर का जो गंदगी है उसको मैंने साफ कर लिया है। तो इस तरह से सारे मछली को मैंने साफ कर लिया है। और इसके साथ लिया है प्याज का पेस्ट, एक प्याज है इसको पेस्ट कर लिया है, और एक टमाटर इसको भी प्यूरी बना लिया है, और लिया है सूखी लाल मिर्ची का पेस्ट, लिया है हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, अदरक का पेस्ट, जीरा का पेस्ट, और यहाँ पे सारा चीज़ मैंने पेस्ट करके लिया है, पाउडर नहीं, लिया है कलौंजी, हल्दी, नमक, तेज़पत्ता और सरसों का तेल। तो सबसे पहले जो मछली है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मछली ले लेती हूँ और मछली में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी दे के इसको मिक्स करके फ्राई करेंगे। तो मछली को मिक्स कर लेती हूँ हल्दी नमक के साथ। तो देखिए सारा मछली को मिक्स कर लिया, अब इसे फ्राई करेंगे। तो गैस पे पैन रख दिया है, पैन गर्म हो गया, अब इसमें तेल डालेंगे। सरसों का तेल लिया है हमने और तेल कोई सरसों के तेल में बनती है। और फिश फ्राई करने के लिए तेल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो पैन से चिपक जाएगी मछली। तो इस तरह से तेल गर्म हो गया, अब इसमें एक एक करके फिश को डाल देंगे। और यहाँ पे एक टिप्स भी देना चाहूँगी, अगर कभी फिश पैन से अटक जाती है तो आप लोग उसे उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, गैस को बंद कर दीजिएगा और पैन जब जैसे ठंडा हो जाएगी मछली अपने आप उठ जाएगी बिना टूटे। तो इस तरह से मछली को पलट देंगे अभी, और मछली को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने से मछली का टेस्ट कम हो जाती है। तो इस तरह से अभी इसे निकाल लेती हूँ और बाकी बच्चे को फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारे मछली को फ्राई कर लिया है, अभी दूसरा एक पैन लेंगे, अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल कोई है तो तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें, लेकिन खाने में उतना ही डिलीशियस बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से तेल डाल दिया है, इसमें सूखी लाल मिर्ची डाल दिया है और डालेंगे एक तेज़पत्ता और हाफ टी स्पून कलौंजी डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, अच्छा खुशबू आ रही है कलौंजी से। और अब इसमें डालेंगे पेस्ट प्याज का, जो एक बड़े साइज का प्याज है इसको पेस्ट कर लिया है। दो मिनट भुनेंगे प्याज को। तो दो मिनट मैंने भून लिया प्याज को, अब इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरी, एक टमाटर है बड़े साइज के, इसको प्यूरी बना लिया था इसे डाल दिया, अब इसे भी दो मिनट और भुनेंगे। अभी डालेंगे जीरा का पेस्ट, दो टेबलस्पून जीरा का पेस्ट, इसे भी मिला लेती हूँ, और एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। यहाँ पे सारा चीज़ मैंने पेस्ट लिया है, पाउडर से उतना टेस्ट नहीं आती है। और एक टीस्पून सूखी लाल मिर्ची का पेस्ट, सारी चीज़ों को मिला लेती हूँ एक साथ में मसाला को। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची नमक, आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अभी सारे मसालों को भुनेंगे कवर करके बीच में हिलाते हुए 15 मिनट लो फ्लेम में। तो देखिए 15 मिनट भून लिया है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी गर्म होना चाहिए हमेशा, ग्रेवी के लिए जब भी आप लोग पानी यूज़ कीजिएगा तो गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडा पानी डालने से टेस्ट ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से मैंने पानी ऐड कर दिया है, दो मिनट ये बॉईल हो गया है, अब इसमें मछली को ऐड करेंगे। इस तरह से सारे मछली को एक एक करके डाल देंगे। अभी इसे कवर करके दो मिनट पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में।
2 मिनट हो गया, अब इसे मछली को थोड़ा पलट देती हूँ। और ये ध्यान रहे हल्के हाथों से करना है, नहीं तो मछली टूट जाएगी। इस तरह से एक एक करके सारी मछली को पलट देंगे। अभी इसमें हरी मिर्ची डालेंगे आगे से तोड़ के, तो इससे क्या होगा, तीखा नहीं होंगे, लेकिन जो मिर्ची का खुशबू है हरी मिर्ची का, बहुत ही अच्छे से तेल कोई में आएंगे। इस तरह से अभी कवर करके 5 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम में। तो 5 मिनट हो गया, जो तेल कोई है हमारा बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना अच्छा लग रही है। तो अभी इसे डिश आउट करती हूँ। तो इस तरह से सारे को प्लेट में डाल दूँगी एक एक करके। तो इस तरह से रेडी हो गया हमारा तेल कोई। आप लोगों को शायद देख के पता चल रही है खाने में कितना टेस्टी बने होंगे। रेसिपी अच्छे लगने से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।